गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये जो हम प्लेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसके कंटिन्यूशन में ही ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे वेस्ट कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल, यानी कि पश्चिमी दरियाई मैदान और पूर्वी दरियाई मैदान के बारे में। अभी पश्चिमी दरियाई मैदान, पूर्वी दरियाई मैदान क्या है आप बता सकेंगे कि ये जैसे कि भारत का दक्षिणी भाग है, इधर आप मेरा माउस जो कर्सर जो घूम रहा उधर ध्यान दें, तो इस तरफ यहाँ पे क्या है अरब सागर है, इस तरफ क्या है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये जो पश्चिम की तरफ है ये कौन सी दिशा है, इस तरफ पश्चिम है, ठीक है। तो ये वाला जो दरियाई किनारा है इसे हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी दरियाई किनारा या वेस्टर्न कोस्ट। और इस तरफ हम जाएं, ठीक है, नीचे से ऊपर हम जाएं इस तरफ, तो यहाँ पे क्या है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, तो ये है आपका ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी दरियाई मैदान। तो अभी हम पहले बात करेंगे पश्चिमी दरियाई मैदान की, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मेनली लाइज बिटवीन द शाद्रीज एंड अरेबियन सी एंड इट इज अबाउट 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड द विड्थ इज 10 टू 80 किलोमीटर्स एंड इफ यू सी द एलिवेशन ऑफ दिस रीजन इट राइजेस ऑलमोस्ट 150 मीटर्स अबव सी लेवल एंड इन सम ऑफ द प्लेसेस It also goes beyond 300 meters. इसके विस्तार की हम बात करें पश्चिमी दरियाई मैदान की, तो शाद्री और अरब सागर के बीच में ये हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, इसकी पौड़ाई हम देखें तो 10 से 80 किलोमीटर तक इसकी पौड़ाई हमें देखने के लिए मिलती है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 150 से लेकर के 300 या कई जगहों पर इवन 300 से ज्यादा भी इसकी ऊंचाई हमें देखने के लिए मिलती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इस क्षेत्र के, मुख्य लाक्षणिकताएं क्या है पश्चिमी दरियाई मैदान की, तो यहाँ पे आपको सैंडी बीचेस देखने के लिए मिलेंगे, रेतान वाले बीचेस हैं, इसके अलावा कोस्टल सैंड ड्यून्स हैं, दरियाई जो रेतान ना टापू है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, मड फ्लैट्स आर देयर, लेगून्स आर देयर, एलुवियल ट्रैक्स जो है वो भी हमें रिवर्स के पास में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हिली एरियाज है, वेरेवर देयर इज द हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे जो नदियां काट करके समुद्र के अंदर गिरती हैं पहाड़ों को, तो वहां पे ये एस्चुरी बनाता है। इसके अलावा लेटराइट की मिट्टी इन मैदान क्षेत्रों में मिलने के वजह से यहाँ पे लेटराइटिक प्लेटफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, रेसिडुअल हिल्स, पुराने जो हिल्स है वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। इफ यू टॉक अबाउट शाद्रीज, अगर हम शाद्रीज की बात करें, शाद्री हिल्स हैं, टेकरियां हैं, तो इसका एलिवेशन, इसकी ऊंचाई करीब 750 से 1225 मीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है, विच इज रनिंग पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, ये जो मैदान वाला भाग है इसके पैरेलल ही हमें इनका विस्तार देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम इन प्लेन्स की बात करें तो इनके बीच में कई सारे आपको ना गैप्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे थल घाट या भोरा घाट मेन जो गैप्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे उत्तर वाले भाग के अंदर। दक्षिणी हम मैदान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पालाघाट गैप जो है वो देखने के लिए मिलता है नीलगिरी के साउथ में, नीलगिरी के दक्षिण में। मेनली जैसे जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे पेनिनसुला के बारे में, तब तुम्हें बताया था पश्चिमी जो भाग है वहां पे हमें पश्चिमी घाट देखने के लिए मिलता है, वो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र जो है हमें देखने के लिए होता है, लेकिन इन पहाड़ों के बीच में, ठीक है, आपके कट्स हैं, गैप हैं काफी चौड़े चौड़े, जिसमें उत्तर के अंदर कौन से दो गैप देखने के लिए मिलते हैं, थलघाट और भोराघाट गैप, और सदर्न पार्ट के अंदर देखिए दक्षिण में देखिए जो कि नीलगिरी के भी दक्षिण में है वो है पालाघाट, पालाघाट जो गैप है या पालाघाट बोलते हैं उसको, ये आपको केरला के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो वाइड है, उत्तर में ये काफी चौड़ा हमें देखने के लिए मिलता है, और उत्तर में इसको कोंकण प्लेन के नाम से जाना जाता है। कोंकण प्लेन की अगर हम बात करें तो कोंकण प्लेन इज 530 किलोमीटर लॉन्ग एंड इसकी विड्थ जो है, इसकी पौड़ाई जो है वो 30 से 50 किलोमीटर, 30 टू 50 किलोमीटर हमें देखने के लिए मिलती है। कर्नाटका के हम दक्षिणी भाग के अंदर जाएं, उसके साउथ के अंदर अगर हम जाएं तो वहां पे ये जो प्लेन है इसकी लंबाई 525 किलोमीटर तक, इसे कर्नाटका कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं, कर्नाटका दरियाई मैदान भी जो है वो बोला जाता है।
हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कर्नाटका कोस्टल प्लेन। कर्नाटका कोस्टल प्लेन हम देखें तो 525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 8 से 25 किलोमीटर इसकी पौड़ाई हमें देखने के लिए मिलती है। इसका जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी जो भाग है आपका पश्चिमी दरियाई मैदान का, उत्तरी वाला जो भाग है, ठीक है, उसके बारे में आपको बता ही दिया मैंने यहाँ पे। और इसके दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें तो इसे मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो मालाबार कोस्ट है इसको हम देखें तो करीब 550 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने के लिए मिलती है और 20 से 100 किलोमीटर तक की इसकी पौड़ाई हमें देखने के लिए मिलती है। मैक्सिमम हम एक्सटेंशन देखें मालाबार कोस्ट का तो वैली ऑफ बेलापुर जो है, ठीक है, पालाघाट को जो ड्रेन कर रही है वहां पे इसका देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा पेरियार, पंबा और अंचकोनी जो रिवर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो बनाए गए वैलीज हैं वहां तक हमें देखने के लिए मिलता है। इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हम देखें, मुख्य लाक्षणिकताएं देखें हम मालाबार कोस्ट की तो सैंड ड्यून्स हैं, आपके रेताड़ना जो ढुआ है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अलोंग द कोस्ट देखें तो बहुत सारे शैलो लेगून्स एंड बैक वाटर्स, ठीक है, यानी कि कम शैलो का मतलब कम गहराई वाले, ठीक है, कम गहराई वाले हमें लेगून्स देखने के लिए मिलते हैं। लेगून्स होता है लवणीय पानी की झील। बैक वाटर्स क्या होता है? समुद्र का ही जो पानी है वो अंदर आकर के ठहर जाता है, ठीक है, उसको हम बैक वाटर्स बोलते हैं। इसको स्थानीय भाषा के अंदर कयाल्स और तेरीज भी बोला जाता है। ये बैक वाटर्स इंपॉर्टेंट है फॉर द फैसिलिटी ऑफ नेविगेशन, आपके इनका जो उपयोग है वो जहाज वहन के लिए भी हमें देखने के लिए मिलता है। इंपॉर्टेंट लेगून्स की हम बात करें, महत्वपूर्ण जो लेगून है इस क्षेत्र के अंदर उसमें है वेम्बाड और अस्थामुड़ी, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट लेगून्स है मालाबार कोस्ट के। ये कोस्ट एविडेंस देता है एमर्जेंस के, ठीक है, यानी कि एमर्जेंस होने की वजह से जो नीचे का जो भाग है उसका ऊपर उठने के वजह से इसका निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल जो है, पश्चिमी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में हमें इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। मुख्यतः ये कहाँ से शुरू होता है? ये उड़ीसा से शुरू होता है और तमिलनाडु तक आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हमें देखने के लिए मिलता है। ये मेनली इसकी फॉर्मेशन हुई है एलुवियल प्लेन्स के वजह से, जो कि मेनली रिसेंट या फिर टर्शरी एलुवियल डिपोजिट्स हैं, ठीक है, नवीन जो आपके कांपनी मिट्टी का निक्षेपण होने की वजह से इसका निर्माण हुआ है। ये काफी जेंटल है, इसका स्लोप मोनोटोनस प्लेन है, ये बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, जेंटल वेस्टवर्ड फुट या ईस्टर्न घाट्स की तरफ हमें इसका जेंटल राइज देखने के लिए मिलता है। इसकी टोपोग्राफी हम देखें तो मोनोटोनी के अंदर कई सारे ब्रोकन पार्ट्स हैं, ठीक है, कई सारे ब्रेक्स हैं जिसमें आपको बहुत सारे हिल्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो कोस्टल जो शोर लाइन है, ठीक है, उस शोर लाइन की अगर हम बात करें तो वो काफी स्ट्रेट है। यहाँ पे कई सारे बीचेस देखने के मिलते हैं शोर लाइन पे, सैंड बीचेस हैं रेत के, सैंड के। इसके अलावा शिंगल्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ का सबसे फेमस जो है चेन्नई के अंदर वो मेरियाना बीच है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सैंड बार्स हैं। सैंड बार्स आपको पता ही है, हमने समुद्र के द्वारा बनने वाले भू स्वरूप के अंदर बात करी थी कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था सेमेस्टर वन में यूनिट वन में, ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पे रिवर माउथ्स के पास में देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जहाँ पे भी नदियां बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर रही हैं वहां पे आपको सैंड बार्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ के इंपॉर्टेंट लेगून्स हम देखें, यहाँ पे मिलने वाले महत्वपूर्ण लेगून की अगर बात करें तो चिल्का है, जो कि महानदी डेल्टा के साउथ वेस्टर्न पार्ट में बनता है। ये इवन कंट्री का, भारत देश का सबसे बड़ा कहते हैं सरोवर है, इट इज द बिगेस्ट लेक ऑफ द इंडिया। इसकी हम लेंथ एंड ब्रेथ की बात करें तो अराउंड इट इज 65 किलोमीटर लॉन्ग एंड 8 किलोमीटर वाइड, ठीक है, 65 किलोमीटर नी यानी लंबाई छे एंड 8 किलोमीटर नी यानी पौड़ाई जो हमारे छे। एना पछी कुलेरू लेक इज ऑल्सो फाउंड हियर, ठीक है, कुलेरू लेक मर से तमारे गोदावरी एना कृष्णा नदी की बनता जो डेल्टा क्षेत्र छे तेमा हमारे छे, ठीक है, यानी कि द डेल्टाज विच आर फॉर्म्ड बाय द गोदावरी एंड रिवर देयर द केलूर लेक इज ऑल्सो फाउंड।
Other than that, Pulikat Lake is also found. It is found on the border of the Andhra Pradesh and the Tamil Nadu. You can observe the Pulikat Lake. Next, we will discuss about the Indian islands in the next lecture, and we will end it here. Okay. Thank you, friends.